बगल की सीट पर बैठा यात्री को चाय पिलाकर किया बेहोश, फिर लूटे 2 लाख के हीरे की अंगूठी, मोबाइल और नकदी। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में खलासी ने यात्री को जगाया, तब हुआ मामले का खुलासा। लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी हुई दर्ज। एक यात्री को उसके बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने चाय पिलाकर बेहोश कर दिया, फिर उसकी करीब 2 लाख रुपए मूल्य की हीरे की अंगूठी, मोबाइल व 8500 रुपए नगद लेकर फरार हो गया। इस संबंध में हरमो विद्यानगर निवासी नीरज चौधरी ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नीरज चौधरी 16 दिसंबर को बेगूसराय से रांची बस से आ रहे थे। कोडरमा में रात 1:30 बजे जब बस यात्रियों के लिए रुकी तो उनकी बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने उनसे पूछा कि यहाँ चाय मिलता है क्या। नीरज चौधरी ने उसे कहा कि हाँ बाहर मिल जाएगा। सीट से उतरकर व्यक्ति नीचे उतर गया और बाहर से 2 कप चाय लाकर बस में आ गया। उसने नीरज चौधरी को चाय देते हुए उन्हें पीने के लिए कहा। नीरज चौधरी ने उससे कहा कि वे चाय नहीं पियेंगे। उसने कहा कि चाय बर्बाद हो जाएगा। उसके काफी दबाव देने पर नीरज चौधरी ने उसकी लाई चाय पी ली। बस जब रांची खादगाड़ा बस स्टैंड पहुंची तो सभी यात्री निकलकर चले गए, लेकिन नीरज चौधरी अपनी सीट पर सोते ही रहा। यह देख खलासी ने उन्हें 7 बजे जगाया। वे काफी गहरी नींद में थे। जब वे उठे तो देखा कि उनका सारा सामान गायब है। उनके हीरे की अंगूठी जो करीब 2 लाख रुपए मूल्य की थी वह भी गायब थी। मोबाइल व उनके पास जो नगद था वह भी गायब था। इसके बाद वे लोअर बाजार थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। आधार लाए उधार ले जाए मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, अब आपके शहर गढ़वा में श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस के द्वारा फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, एसी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। हमारा पता है मेन रोड गढ़वा, किलर शोरूम के बगल में।